हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 10 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.80% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो 892.15 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो है अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड आने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो है अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना जरूर यहाँ पे समझाएंगे। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस में हमें क्या लग रहा है कल स्टॉक में क्या आने वाला जरूर जो हमारा ओपिनियन देंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा हाई वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है इस स्टॉक में। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल जो बनी है यहाँ पे मैं कहूँगा एक मीडियम साइज कैंडल बनी है, लेकिन 20 EMA के ऊपर जो है आज के दिन स्टॉक ने जो अपना क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। फिलहाल उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे RSI हम देख लेते हैं। RSI यहाँ पे 60.6 के आसपास जो यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो है ऐसा लग रहा है हमारा स्टॉक जो है अब ओवरबॉट एरिया में जरूर जो है जल जा सकता है। इवन तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन का इशारा हमारा RSI देता है, लेकिन हम जो है RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं, हमें उसे जो है ज़रूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा 20 EMA का इसने जो अपना सपोर्ट एक यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस जोन था उसको तोड़ा है और उसके ऊपर जो यहाँ पे क्लोजिंग देने में भी यहाँ पे जो है सक्सेसफुली क्लोजिंग भी दिया है और विद वॉल्यूम दिया है, जो यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा पॉजिटिव हो जाता है। मतलब यहाँ पे आने वाले दिनों में स्टॉक में जो आपको और जो है यहाँ पे अपसाइड जाते हुए देखने मिल सकता है। और जिस तरह से हम कह रहे थे यहाँ पे अब जो है अगला यहाँ पे मुझे लग रहा है टारगेट जो आपका रह सकता है वो रहेगा 936 का, और फिर उसके बाद यहाँ पे 52 वीक जो है इसका हाई वहाँ का उसका टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में फिलहाल हमारा पहला टारगेट 940 के आसपास का होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वीक में मोस्टली यहाँ पे 52 वीक रेंज भी जो इसका क्रॉस हो हम यहाँ पे ज़रूर जो स्टॉक में नज़र बना के रखें। आप भी जो स्टॉक को अगर अपने वॉच लिस्ट में नहीं रखा है मैं कहूँगा अभी के अभी जो स्टॉक को भी वॉच लिस्ट में रख लें। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स से एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो हमें स्टॉक में जो है चार्ट यहाँ पे क्या कह रहा है उस बारे में हम आपको दिखाते हुए आपको समझाते हैं कि किस तरह से जो अब मोमेंट आ सकता है उस स्टॉक में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा हम जो चार्ट के बेसिस पे आपको बताते हैं, कोई भी यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस पे आपको नहीं समझाते हैं। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी स्टॉक में होती है हमारा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन कल के लिए इसमें क्या बनता है जरूर जो है यहाँ पे आपको मार्क करके बताएंगे। बाकी यहाँ पे कल के लिए जो है आप जो है जिस तरह से यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप भी जो है सेम टू सेम यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑलरेडी मैं कहूँगा कुछ मार्किंग जो है यहाँ पे ऑलरेडी हुई रखी थी, यहाँ पे हमें जो है बस जो भी एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे देखने मिल रहा है उसी को यहाँ पे मार्क करते हुए अपना जो है यहाँ पे एक ओपिनियन रखना है। और यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को जो है यहाँ पे मार्क करते हुए आपको समझाना है कि यहाँ पे आपको क्या देखना है। तो यहाँ पे फिलहाल कुछ हमारे पास जो डेटा था उस बेसिस में यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्किंग कर ली। थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे सपोर्ट जोन को मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि अगर और नीचे गया तो आपके पास जो है एक यहाँ पे डेटा हो कि आपको किसको देखना हो। तो चलिए यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है, बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे 892 के आसपास जिसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 886 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो आता है वो आता है 894 का। याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब इस बीच में अगर आपको ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको जो ना ही एंट्री लेनी है ना ही आपको एग्जिट करना है। दोनों में से किसी भी एक साइड में अगर ये क्रॉस करते हुए गया स्टॉक
तब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से आपको जो ये सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस का जो यूज करना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जा रहा है, तो 886 का हमारा एक डायरेक्ट सपोर्ट आता है। तो जैसे ही स्टॉक ने अपना डायरेक्ट सपोर्ट तोड़ा, आपको जो है 3 रेड कैंडल का यहाँ पे वेट करना है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि अगर प्री ओपनिंग में अगर यहाँ पे ये स्टॉक 886 से नीचे गया तो समझ लीजिए इसने अपने डायरेक्ट सपोर्ट जो तोड़ दिया, मतलब 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में जो स्टॉक ने अपना ओपनिंग ही जो है यहाँ पे डाउन दे दिया है, मतलब गैप डाउन ओपनिंग दे दिया है, 886 के नीचे दे दिया है। तो आप जो है स्टार्टिंग के यहाँ पे जो है आपको तुरंत ही 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट जो ओपन करते हो, स्टार्टिंग के जो कैंडल्स आते हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको वहाँ पे 3 रेड कैंडल देखने मिले, चौथे कैंडल पे आपको एंट्री लेते हो, अगला हमारा जो सपोर्ट आता है जो है यहाँ पे 876 का, उससे यहाँ पे मैं कहूँगा 4 पॉइंट ऊपर, 4 पॉइंट मतलब यहाँ पे 880 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना, एक साइकोलॉजिकल नंबर पे बहुत ही अच्छा टारगेट यहाँ पे बन जाता है। बात करते हैं हम यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है ये स्टॉक जो और नीचे जा सकता है तो आप जो है 876 जो हमारा सपोर्ट आता है उसको वापस से क्रॉस करने का वेट करें, 3 रेड कैंडल बनने का भी वेट करें, और फिर 868 से आपको 4 पॉइंट ऊपर मतलब 872 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा ले। लेकिन अगर आपको जो है यहाँ पे 3 रेड कैंडल नहीं दिख रहे, 2 रेड कैंडल दिखा और तीसरा जो है ग्रीन दिखा, तो मैं कहूँगा चौथे कैंडल पे आप तुरंत ही एग्जिट कर जाए, जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक कर ले, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल आपका जो है शुरू हो सकता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे इवन दो नीचे गया तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन हमेशा सेफ खेले, क्योंकि कभी भी जो है मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है आपका मार्केट जो है जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा जो है हमेशा आपको सेफ खेलना चाहिए। बात रही यहाँ पे डिफरेंस की, तो डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा थोड़े टाइम में क्यों रखना है और कैसे रखना है, लेकिन बात करते हैं अपसाइड की। अपसाइड यहाँ पे समझ लीजिए ये हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन आता है 894 का, समझ लीजिए 9:15 मतलब प्री ओपनिंग के टाइम में ही जो है यहाँ पे 9:15 से पहले ही स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दे दी और 894 को जो क्रॉस करते हुए ओपनिंग दे दी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा नीचे के लिए वैसा ही आपको जो अपसाइड के लिए भी 5 मिनट या फिर 15 मिनट का जो कैंडल ऑन कर देना है, टाइम फ्रेम ऑन कर देना है, और फिर यहाँ पे आपको वेट करना है 3 ग्रीन कैंडल का। यहाँ पे जैसे आपने जो 3 ग्रीन कैंडल का यहाँ पे वेट किया, आपको जो है तुरंत चौथे कैंडल पे एंट्री लेते हुए फिर आपको जो हमारा अगला जो है एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन आता है जो है यहाँ पे 901 मतलब मैं कहूँगा 900 ही, उससे 2 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पे जो है 898 का जो है आप यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। ये 2 पॉइंट यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे गैप छोटा है इसकी वजह से, लेकिन 4 पॉइंट रख सकते हैं, 4 पॉइंट मिनिमम है, गैप छोटा इसकी वजह से यहाँ पे मैं 2 कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है और ऊपर जा सकता है तो कोई इशू नहीं है, आप जो है 909 से 4 पॉइंट नीचे मतलब 905 का जो आप अपने यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं, यहाँ पे इजीली अचीव हो जाएगा ये टारगेट। लेकिन यहाँ पे आपको जो है वापस से 900 को जो है क्रॉस करके 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना है, लेकिन याद रखें 3 ग्रीन कैंडल में भी जो है आपका यहाँ पे 905 जो है डायरेक्ट यहाँ पे हिट हो सकता है, तो आप जो है डायरेक्ट भी एक यहाँ पे लगाते हुए वेट कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे सही है, लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में, वहीं के वहीं आप एग्जिट कर जाए और वहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक कर ले। अब बात रही यहाँ पे हमें ये जो डिफरेंस जो क्यों रखना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस जो आपको इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स जो हमारा ऑलरेडी एक बाइंग पॉइंट और एक सेलिंग पॉइंट जो अपने ऑर्डर में प्लेस करके रखते हैं, और वो क्या करते हैं उनका ऑर्डर जो वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए, उसकी वजह से वो हमेशा जो एक डिफरेंस में रखते हैं, मतलब सपोर्ट जोन हो या फिर रेजिस्टेंस जोन, उससे थोड़ा सा डिफरेंस में जो है अपना जो है एक यहाँ पे टारगेट रखते हैं ताकि उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप भी जो स्मार्ट तरीके से खेलते हो अपना जो टारगेट जो है उसको जो है एक डिफरेंस के साथ रखें, क्योंकि पहली बात तो ईजिली अचीव हो जाएगा, और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है ट्रेडर्स जो हमारे एक ज़्यादा क्वांटिटी में कभी कभी काम करते हैं, तो एक प्राइस पॉइंट पे जो है कभी कभी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारा स्टॉक जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन तक पहुँचता ही नहीं, और उसी से पहले जो हमारा रिवर्सल शुरू हो जाता है, तो जो रिवर्सल का जो यहाँ पे लॉस होता है उससे भी आप बच पाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफरेंस के साथ अपना टारगेट रखा था जो रिवर्सल आने से पहले ही जो है आपका बुक हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा आप जो है अच्छी तरह से यहाँ पे रिवर्सल का भी जो है उससे बच पाओगे और यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है बुक कर पाओगे। बाकी बात रही यहाँ पे डिफरेंस जो किस तरह से डिसाइड करना है, तो यहाँ पे आपको जो क्या करना है, कोई भी स्टॉक हो आपको जो स्टॉक का प्राइस देखना है, प्राइस डिजिट देखना है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉक का प्राइस है 800 और डिजिट है 3, तो यहाँ पे इजीली 4 to 8 पॉइंट्स का जो आपको 1 से 2 मिनट में इजीली फ्लक्चुएशन जो देखना मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहता हूँ मिनिमम 4 पॉइंट का आप रख सकते हैं, अगर गैप छोटा है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन से तो उसका हाफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको हमेशा थोड़ा सा कॉशियसली काम करना है,
यहाँ पे भले ही अगर आपको लग रहा है गैप छोटा है, तो भी आप जो है पहला जो है मैं कहूँगा जो मिनिमम जो है हमारा इसमें 4 पॉइंट का है वो रखे, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे आप जो है एग्जैक्ट रेसिंग जोन तक भी रख सकते हैं, अगर गैप छोटा है तो वहाँ तक भी इजीली पहुँचता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप जो है पहले 4 पॉइंट का रखे। अगर आपको यहाँ पे मोमेंट जो है मतलब 5 मिनट जो हमारा जो कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए उतना डिफरेंस बन जाता है, तो आप डायरेक्ट एग्जैक्ट जो है हमारा रेसिंग जोन हो या फिर सपोर्ट जोन हो उसका जो है यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है वो डिसीजन आपके ऊपर, 4 पॉइंट रखना है 6 पॉइंट रखना है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं कहूँगा मिनिमम रखो तो भी कोई इशू नहीं है। बात रही यहाँ पे अब मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, कल यहाँ पे मैं कहूँगा तो इस स्टॉक में जो है फिलहाल यहाँ पे जरूर जो है कि यहाँ पे 8-900 तक ये स्टॉक जो जाते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे वापस एक बड़ा डाउनसाइड आ सकता है। मुझे लग रहा है 876 से लेके 886 में जो है कल के दिन ये स्टॉक जो है क्लोज आपको देखने हुए मिल सकता है। ओपनिंग पॉजिटिव हो सकती है लेकिन क्लोजिंग जो है नेगेटिव रह सकती है, और इसके से यहाँ पे 876 से 886 के बीच में जो स्टॉक में कल के दिन मुझे लग रहा है क्लोजिंग देखने मिल सकती है। आपको क्या लग रहा है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।